हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देखिए, आज तो भैया दशहरा पूजा ख़त्म हो गया है, दुर्गा पूजा। तो आज मेरे बच्चे ने कहा है कि वो मेरे लिए, अब मैं हमेशा रोज़ मैं ही बनाती हूँ खाना, तो आज इसने बोला कि मम्मी आज आप रेस्ट कीजिए, आज मैं चिकन बनाऊँगा आपके लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसने प्याज काटा है और पानी में डाला है ताकि आँख में ना लगे, और इसी तरह आप भी करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने मसाला भी पीस लिया है। इसमें एक टमाटर था, आधा चम्मच जीरा, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्ची है, लहसुन और अदरक। और इसका देखिए कितना अच्छा पेस्ट इसने बना लिया है। और बस अब देखिए प्याज काटेगा। अब ये देखिए 1 kg चिकन है, ये फ्रेश चिकन है बिल्कुल। कितना अच्छा धो के साफ़ करके इसने रख लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये प्याज। देखिए प्याज को भी कितने अच्छे से पानी में करके रखा हुआ है। अब इसने कट करना है, बस अब ये कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा कट जाए, सारा प्याज कट जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये चिकन कैसे बनाना है। ये देखिए प्याज पूरा कट गया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 कलछी भर के सरसों का तेल मेरा बेटा डाल रहा है, क्योंकि पूरा 1 किलो चिकन है और चिकन में थोड़ा सा आज काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है, तो बढ़िया वाला चिकन आज बनाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा साबुत मसाले हैं, गरम मसाले, जीरा, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री और बड़ी इलायची, इसको डालेंगे तेल में पहले। और ये देखिए सूखी लाल मिर्ची कश्मीरी वाली और तेज पत्ता है, डालो इसमें। हाँ, इसको ये देखिए कितना बढ़िया अब इसमें एक कलर आएगा। फ्लेम को थोड़ा तेज कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया हो गया है। अब फ्लेम को धीरे कर देगा। अब ये देखिए प्याज डालेगा। जब बैचलर्स होना और अकेले रहना हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना हो, खाना पीना हो, मम्मी घर में ना हो, तो इस तरह से बनाएं खाएं जैसे ये बना रहा है, और फटाफट से ये चिकन बनेगा। बस आप तैयारी पहले कर लें और प्याज को अच्छा गुलाबी लाल भून लें। ये देखिए कितना अच्छा भून रहा है, ये थोड़ा और गुलाबी होगा, उसके बाद हम मसाले भूनेंगे। ये देखिए अभी मेरा बेटा डालने जा रहा है, ये देखिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची है। अब उसके बाद ये सारे मसालों को डालेगा। बस हो गया, कश्मीरी लाल मिर्ची से खूब अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए सारे मसाले वो डालेगा, जो ये मसाले था ना, ये पूरा इसमें डालेगा। क्या बात है, ये देखिए कश्मीरी मिर्ची का कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए, और खूब अच्छे से मसाले को चला लीजिए। ये देखिए जैसे मेरा बेटा चला रहा है, बस ऐसे ही चला लीजिए। सारे बैचलर्स आप लोग जरूर देखते रहिए और बनाइए, देखिए क्योंकि बैचलर ही बना रहा है। ये देखिए नमक अब डालेंगे प्याज में और मसाले में, ताकि खूब अच्छे से मसाले में, या थोड़ा सा और नमक डाल दो। हाँ बस, और उसके बाद जब चिकन भूनेंगे उसके बाद देखेंगे नमक और कितना चाहिए। अब ये भूनेंगे, देखिए कितना बढ़िया भून रहा है। मसाले थोड़े से भून जाए, पूरा लाल नहीं करना है मसाले, जब पूरा आधा भून जाए फिर हम उसमें चिकन डालेंगे, क्योंकि उसके बाद भी भुनेगा वो। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे आधे भून गए हैं, एक बार चला लो। ये देखिए आधा भुन गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए, और चिकन के पीसेस अब इसमें डाल दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बनाना नहीं पड़ा, मेरा बेटा आज मुझे बनाकर खिलाएगा। ये देखिए बढ़िया से भूनिए अब इसको, ये थोड़ा और भून जाएगा, उसके बाद इसमें पानी मिलाकर प्रेशर लगाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद थोड़ा भूनते हैं फिर से। ये देखिए पानी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा,
वाह लाजवाब, क्या बढ़िया बन गया है। और थोड़ा सा भुनेगा ये 5-7 मिनट, तब कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया ग्रीप आ जाएगा। आज मेरा बेटा मुझे खुश कर दिया। ये देखिए क्या बेहतरीन कलर और क्या बढ़िया ये बनके तैयार हो रहा है। और बस अब ये थोड़ा एक दो बार भून के, अब बस इसमें जितना पानी आपको चाहिए, जितना ग्रेवी चाहिए आप ग्रेवी डाल दें। अगर आपको ग्रेवी नहीं खाना है फ्रेंड्स, तो आप इसी तरह से भुना हुआ रोक लें और पराठे के साथ खाएं। मज़ेदार सलाद, धनिया पत्ती की चटनी बना लें और खाएं। आज मेरा बेटा ग्रेवी वाला बनाएगा और सैलेड और धनिया पत्ती की चटनी के साथ खिलाएगा। ये देखिए इसमें पानी डाल रहा है, अभी रुक जाओ, अब चला कर देखो कितना पानी और चाहिए। देखिए थोड़ा ग्रेवी और डलेगा, थोड़ा सा और डालेंगे पानी। बस अच्छा डाल दो, बढ़िया वाला ग्रेवी का चिकन आज बनेगा। अब इसको ज़्यादा नहीं क्योंकि ये काफ़ी भुन गया है, एक प्रेशर लगाएंगे और 2-4 मिनट के लिए सिमर पे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स अब प्रेशर लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कुकर अपने आप ठंडा हो गया है, अब इसको खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब मेरे बेटे ने बनाया है। अब इसमें थोड़ी धनिया पत्ती डाल दो ऊपर से। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स क्या मज़ेदार बना है, आप भी बना सकते हैं, जब ये बना सकता है तो आप क्यों नहीं। अब एक बार चला कर दिखा दो हमारे सारे व्यूअर्स को। ये देखिए फ्रेंड्स क्या तरी वाला चिकन है और क्या पीसेज हैं हमारे और क्या ग्रेवी बन के तैयार हुआ है। दिखा दो ग्रेवी, दिखा दो, वाह। ये देखिए फ्रेंड्स मुँह में आ गया ना पानी, और क्या बेहतरीन बनाया है इसने, मज़ा आ गया। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हम लोग खाएंगे कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स अब चावल के ऊपर गर्मा गर्म चिकन डालिए और ग्रेवी डालिए, और देखिए एक बढ़िया पीस और डाल देती हूँ मैं। और ये देखिए ये चिकन लीजिए और बढ़िया सा ग्रेवी डालिए और आप बिल्कुल इसको खाइए ऐसे कि बस मज़ा ही आ जाए, और सैलेड हो, चटनी हो और आपका मज़ेदार सा ये चिकन हो, कितना मज़ा आएगा फ्रेंड्स खाने में। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपने वीकेंड को। और मैं आज अपने बेटा को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि इसने आज मेहनत मुझे नहीं करने दी। तो थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू मेरे बेटे। और फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।